नाजरीन, ये स्टिकिंग शीट है। अच्छा, ये इससे हम कोई भी शेप्स बना सकते हैं, और ये चिपकने वाली है। इसके पीछे से ये पेपर उतर जाता है और ये स्टिक हो जाती है। दीवार पे भी स्टिक होती है और चार्ट पे भी स्टिक होती है, और आप चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैंने ये बनाए हैं। ये देखिए नाजरीन, ये मेरे पास स्टिकिंग शीट है। ये ग्लिटर वाली शीट होती है, इसकी ये यहाँ से उतार लेते हैं, तो ये यहाँ से ये पेपर हटता है ना, तो ये चिपक जाती है इसके साथ। तो मैंने इसके ऊपर इनवर्टिब्रेट ड्रॉ किए हैं। ये देखिए, ये अमीबा ड्रॉ किया है, और ये एंट ड्रॉ की है, और साथ सेंटीपीड भी ड्रॉ किया। अब मैं इसकी कटिंग करके और मैं चार्ट पे लगाऊंगी। तो ये इनवर्टिब्रेट, ये देखिए यहाँ से ये हटता है। मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये सेंटीपीड भी हम काटेंगे। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किए, और ये इसको ये सेंटीपीड मैं काट रही हूँ। सेंटीपीड, ये सारी सेंटीपीड काटेंगी। तो सेंटीपीड काट चुकी है, तो सेंटीपीड को हम स्टिक कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं उसके पाँव काट रही हूँ, एंड के पाँव काट रही हूँ। ये इस तरह आपने पेन से उसके बनाए हुए हैं, तो ये इस तरह। ये एंड भी तैयार है, एंड का हम एहतियात के साथ ये इसका ये देखिए नाजरीन, यहाँ पे मैंने गम लगाई है, और अब मैं यहाँ पे इसका माउथ स्टिक करूँगी। ये देखिए, ये ग्लू हम यहाँ लगाते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे हम इसकी आईज स्टिक करेंगे। तो ये देखिए, ये इसकी आईज, ये एंड की आई स्टिक हो गई। ये देखिए नाजरीन, ये एंड की आई स्टिक हो गई। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आप मार्कर से लिख लें।
ये देखिए नाजरीन, ये आपके सेंटीपेड एंट, अमीबा, अमीबा सेंटीपेड एंट, और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें बैक बोन होती है। आप स्कूल के लिए बच्चा, आप 4 फीट में बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए ये चार्ट आप बना सकती हैं।